फर्स्ट रैंकिंग जो है वो 100% डिफिकल्टी है, मतलब फर्स्ट पे आप रैंक नहीं कर पाओगे, बहुत टफ है। लेकिन नंबर 10 पे रैंकिंग जो है वो 14% है, विच मीन्स कि इट इज वेरी इजी, 14% बहुत आसान है, आप आराम से उसको कर सकते हैं रैंक, ठीक है। और आप आराम से रैंक करके फर्स्ट 10 में आप ब्रेक कर सकते हो बड़ा आसानी से। मैं क्या करूंगा, मैं एक वीडियो बना लूंगा इसके ऊपर, और मतलब मेरी मुझे अपनी डिफिकल्टी नजर आ गई कि मैंने अगर वीडियो यहाँ पे बना के अपलोड की तो मैं बड़ा आराम से मैं 10th टॉप 10 के अंदर ब्रेक कर सकता हूँ, क्योंकि नंबर 10 पे जो वीडियो रैंक हुई भी है वो कोई इतनी अच्छी उसकी एसईओ नहीं हुई भी। तो ये जो टूल है ये एनालिसिस करके मुझे बताता है कि यू हैव गॉट अ वेरी गुड चांस टू ब्रेक इनटू द टॉप 10। मुझे टॉप 10 के अंदर आना है और मुझे और क्या चाहिए जिंदगी से, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्या कहते हैं उसको, क्यूरियोसिटी, मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं टॉप 5 के अंदर उसको चेक करूं। मैंने यहाँ पे टॉप पहले टॉप 10 किया था, मैं उसको टॉप 5 सेलेक्ट करके देखता हूँ कि इसके अंदर कितना चांस है मेरा। तो क्या कहता है वो, मैं 8% कह रहा है कि फिफ्थ नंबर पे डिफिकल्टी है, तो इट्स वेरी इजी, विच मीन्स कि मैं बड़ा आराम से मैं टॉप 5 के अंदर भी आ सकता हूँ। अब मुझे इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए, मैं टॉप 10 के अंदर भी खुश था, लेकिन अब टॉप 5 के अंदर भी अगर मैं ब्रेक कर सकता हूँ तो ये तो इससे ज्यादा और मुझे जिंदगी से क्या चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ठीक है, दिस इज गुड, अब मुझे जरा एनालिसिस करके बताओ कि मैं अगर क्या नाम है इसका, इस वीडियो के ऊपर काम करता हूँ, इस कीवर्ड के ऊपर मैं काम करता हूँ, तो मुझे अपना जो इसके वो हैं मुझे इसके जो हैं अगर मैं टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, सिलेक्टेड टैग्स हैं, इसका स्कोर क्या, एक तो मुझे है मेरा जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसका क्या स्कोर है, और दूसरा इसने तुम लोगों को बताया था कि ये तुम लोगों को टैग बता रहे थे, ठीक है, इसने ये मीडियम कंपटीशन में मीडियम वैल्यू टैग्स तुम लोगों को बता दिए। अच्छा जी, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि टाइटल मैंने दिया इंसेक्ट होटल। मैंने तुम लोग को शुरू में एक बात की, मैंने ये बात की थी कि ट्यूब रैंक जी तुम लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता है स्टार्ट करने से पहले, कोई भी वीडियो अपलोड करने से पहले ट्यूब रैंक जीत वाला जो सॉफ्टवेयर है जो कि अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तुम लोग को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता है। जो नेक्स्ट हमारा टॉप जो तुम लोग को मैंने टूल देना है वीडियो मार्केटिंग ब्लास्टर, वो इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन तुम लोग को देता है। ये मैंने स्टार्ट में तुम्हें एक बात, उसकी वजह ये थी कि ट्यूब रैंक जीत के ऊपर जब तुम लोग काम करते हो तो तुम लोग को टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और टाइटल और डिस्क्रिप्शन बेसिकली तुम लोग को खुद लिखनी होती है। वो क्या करता है, वो उसको स्कोर दे देता है कि भाई जो भी आपने टाइटल या डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल किया है उसका स्कोर क्या है, और फिर उसमें रिकमेंडेशन भी देता है। यहाँ पे नीचे वो फिर रिकमेंडेशन भी देगा कि अपना टाइटल लंबा करो, छोटा करो, टैग ज्यादा इस्तेमाल करो, कम इस्तेमाल करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो जी, मैं कहता हूँ इंसेक्ट होटल हमारा टॉप 5 इंसेक्ट होटल रिव्यूज, इसको लेटेस्ट भी कर देते हैं, ये लेटेस्ट ट्रेंड टॉप 5 इंसेक्ट होटल रिव्यूज, ठीक है, ये मेरा ये आ गया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैंने तुम लोगों को एक बताई थी कि एफिलिएट मार्केटिंग की जब डिस्क्रिप्शन करते हो तो स्टार्ट ऑफ विद अच्छा, मैंने क्या तुम लोगों को बताया था कि स्टार्ट ऑफ विद ये वाली चीज कि अपने ब्लॉग का इंट्रोडक्शन देना तुम्हें, ठीक है, जो भी तुम्हारा ब्लॉग है उसके बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दो, या फिर अपना जो चैनल है उसका इंट्रोडक्शन दो थोड़ा सा,
और उसके बाद इस तरीके से करके तुम लोगों ने अपना एक एक करके अपना जो भी प्रोडक्ट है उसका नाम लिखो, उसका यहाँ पे लिंक दे दो, प्रोडक्ट का नाम लिखो और यहाँ पे लिंक दे दो। ये वाला लिंक इंशाल्लाह हम लोग कल बताए, मैं कल बताऊंगा ये लिंक कैसे जनरेट करना है। सारे के सारे 10 प्रोडक्ट्स हो गए और एंड पे मैंने यहाँ पे टैग्स दे दिए, ठीक है, रिलेटेड टॉपिक्स का मैंने एक हेडिंग दी और रिलेटेड टॉपिक्स में मैंने तमाम के तमाम टैग दे दिए। ये बेस्ट डिस्क्रिप्शन, बेस्ट, उसको उठाओ और इसके हिसाब से अपना जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन इसके मुताबिक बनाओ, ठीक है। ठीक है, तुम लोगों ने बेस्ट इन मिल्क फ्रॉदर सर्च करना है और सर्च करने के बाद ये जो है बेस्ट इन टुडे, ये वाली वीडियो तुमने ओपन करनी है, बेस्ट इन टुडे। इसको ओपन करके इसकी डिस्क्रिप्शन को तुम लोग एज इट इज स्ट्रक्चर जो है एज इट इज कॉपी कर दो। अगर तुम लोग एफिलिएट की काम नहीं कर रहे, ये है एफिलिएट के केस के लिए, एफिलिएट में तुम लोगों ने ऐसे रखना है। अगर तुम लोग एफिलिएट में काम नहीं कर रहे उस केस के तुम लोगों ने क्या करना, अच्छा उस केस के अंदर ये डिस्क्रिप्शन को मैं थोड़ा सा स्किप करूंगा इस वक्त, उसकी एक वजह है। इस वक्त मैं यहां पे लिख लेता हूं सिंपल सा कि दिस वीडियो प्रोवाइड्स बेस्ट या टॉप 5 इंसेक्ट होटल्स एंड हाउसेस, दिस वीडियो प्रोवाइड्स टॉप 5 इंसेक्ट होटल्स एंड हाउसेस फॉर होम फॉर गार्डन ओनर्स फॉर होम और कमर्शियल गार्डन ओनर्स। टैग्स हैं, टैग्स आप लोगों ने यहाँ पे लिखने नहीं होते, यहाँ पे आप लोग सिर्फ सिर्फ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन हियर, यहाँ पे क्लिक करते चले जाओ इंसेक्ट होटल फॉर सेल, इंसेक्ट होटल्स फॉर गार्डन्स, इंसेक्ट होटल आ गया, इंसेक्ट होटल अमेजोन, जो जो आपके मतलब के टैग्स हैं उनको उठाते जाओ। अच्छा जी, उसके बाद इंसेक्ट होटल आइडियाज, इंसेक्ट होटल बोर्ड, इंसेक्ट होटल फाइव, इंसेक्ट होटल आइडियाज, इंसेक्ट होटल डिजाइन्स, यूके, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके मटेरियल, हाउ दे वर्क, इसको भी कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी कर लेते हैं, ठीक है। इंसेक्ट होटल किट, इंसेक्ट होटल फ्रॉम पैलेट्स, ये सारे के सारे मैंने यहां से उठा लिए। ये वाले मैंने छोड़ दिए, ये DIY से बनता है, डू इट योरसेल्फ, मतलब जिसने खुद बनाना हो इंसेक्ट होटल वो कैसे बनाए, ठीक है। तो मेरे कीवर्ड्स एनफ हो गए, काफी हो गए मेरे कीवर्ड्स, ऑलमोस्ट मेरा लिमिट भी पूरी हो गई,
477 out of 500 लिमिट भी मेरी पूरी हो गई है, तो एक आते मैं डाल देता हूँ कि अपनी लिमिट पूरी मुकम्मल कर लूँ। होटल चल चल, लिमिट मेरी पूरी हो गई, अब 495 out of 500 हो गया। अब मैं कहता हूँ कि अब मेरा स्कोर चेक करो, तो वो मुझे सबसे पहले कहेगा कि यू कैन स्टिल ऐड अ बिट मोर टू द टाइटल, योर द डिस्क्रिप्शन इज टू शॉर्ट, मेक इट लॉन्गर, ऐड अ लिंक टू योर वेबसाइट पेज एंड डिस्क्रिप्शन, और आस्क द व्यूअर टू सब्सक्राइब टू योर चैनल। अब जो जो चीजें मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में करता जाऊंगा वो चीजें वो वहां से रिमूव करता जाएगा। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, यू कैन स्टिल ऐड अ बिट मोर टू द टाइटल, मैं टाइटल में यहाँ पे और चीजें डाल दूंगा, इंसेक्ट होटल एंड हाउसेस एमेजॉन प्रोडक्ट रिव्यूज। ठीक है, मैंने जरा इसको लंबा कर दिया। अब मैं कहता हूँ दोबारा मेरा स्कोर चेक करो। अब एक तो नंबर वन तो ये होगा कि मेरी परसेंटेज 71% से बढ़ जाएगी, और दूसरा ये कि जो पहले टॉप पे मुझे कह रहा है ना कि यू कैन स्टिल ऐड अ बिट मोर टू द टाइटल, वो खत्म हो जाएगा। ये 71% 75% पे आ गई, और वो कह रहा है कि यू कैन स्टिल एक्सटेंड द टाइटल अ बिट। चलो जी थोड़ा सा और कर लेते हैं उसको। टॉप 5 इंसेक्ट होटल एंड हाउसेस अमेजोन प्रोडक्ट्स रिव्यूज, और सर लेटेस्ट ऐड कर लें, टू टॉप 5 लेटेस्ट होटल्स। हाँ मैं लेटेस्ट ही ऐड कर रहा था, लेकिन मैं देख रहा था कि लेटेस्ट मैं यहाँ पे डालूं शुरू में कि एंड पे डालूं, मैंने दरम्यान में करके डाल दिया। चलो जी दोबारा स्कोर देखते हैं, तो वो कहता है कि अभी भी आप इसमें मजीद भी ऐड करें। टॉप 5 इंसेक्ट होटल एंड हाउसेस फॉर बग्स, हाउसेस फॉर बग्स सर। वैसे बाय फ्रॉम नहीं आता, दे बाय फ्रॉम इज नॉट अ गुड। वो मैं अपने टैग्स में से देख लेता हूँ, टैग्स में से क्या क्या है। 2021 नहीं, 2021 मैं इस वजह से खुद नहीं ऐड कर रहा, चूंकि वो फिर जब 2022 आएगा तो फिर आपकी वीडियो पुरानी होगी। इसे होटल वुड वुड हो सकता है यहाँ पे। टॉप 5 वुडन, अभी भी नहीं मान रहा सर। और होटल एंड हाउस फॉर बग्स, ये भी लगा, बग्स उसमें नहीं आ रहा, टैग्स में नहीं आ रहा, वरना मैं बग्स भी डाल देता। अच्छा सर अमेज़न प्रोडक्ट के आगे टू बाय लिख दें। हाँ वो लिख सकते हैं, मैं देख रहा हूँ कि मैं अगर टैग्स में से मुझे कुछ मिल जाता है तो मैं टैग्स में से ऐड कर दूंगा, नहीं तो फिर टू बाय ऐड कर देंगे। सर फॉर गार्डन्स एंड हाउसेस, हाँ गार्डन डिजाइंस, एक सेकंड, गार्डन्स इज अ गुड कीवर्ड। टॉप 5 वुडन इंसेक्ट हाउसेस होटल एंड हाउसेस फॉर गार्डन। चलो जी अब उसने कह दिया कि आपका स्कोर 77% हो गया और टाइटल जो है वो आपका ठीक है। ठीक है, वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ कि कुछ टाइटल ज्यादा लंबा हो गया, इसको तुम लोग थोड़ा सा छोटा भी कर लो तो चल जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं। ये कुछ थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया मेरी नजर में, ठीक है, तो मैं प्रेफर यही करूंगा कि मैं इसको अमेजोन प्रोडक्ट लेटेस्ट को रिव्यू लेटेस्ट को हटाऊंगा यहाँ से, इसको भी हटाऊंगा, इसको भी हटाऊंगा। मैं एक्चुअली अगर मैं होता तो मैं इसको यहीं तक रखता, थोड़ा सा वो मुझे इसका स्कोर गिराएगा इसको, लेकिन ठीक है मेरा ख्याल है ये चल जाएगी वीडियो, ये मेरा ख्याल है बेहतर रिस्पॉन्स कर जाएगी। अच्छा उसके बाद आ जाता है मेरा ख्याल है इतना अगर लंबा करेंगे तो विड आईक्यू इसको कर देगा टू लॉन्ग वाला। हाँ पॉसिबिलिटी उसकी होती है, मतलब थोड़ी सी आपने कॉमन सेंस भी यूज करनी है, आपने इसको इस्तेमाल जरूर करना है टूल को, साथ साथ थोड़ी कॉमन सेंस भी आपने साथ साथ लेके चलनी। अच्छा उसके बाद डिस्क्रिप्शन टू लॉन्ग, यू कैन ऐड मोर टू इट, ये मैंने तुम लोग को बताया था कि तुम लोगों ने डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। जब तुम लोग इस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखोगे जैसे ये वाली लिखी हुई है,
तो इसमें तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा. मेक श्योर करना, ये वाली चीज तो लाजिमुल फर्ज है, ये जो रिलेटेड टॉपिक्स में जाके तुम लोगों ने सारे टैग्स डाल देने, ठीक है? मतलब देखो टैग्स यहाँ पे भी चल रहे हैं, ये सारे के सारे टैग्स चल रहे हैं, और इसके अलावा ये वाले टैग्स भी मैंने यहाँ पे डाले हुए, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाले हुए, वीडियो टैग्स वैसे अदरवाइज भी डाले हुए और डिस्क्रिप्शन में भी डाले हुए. क्या फर्क है दोनों में? डिस्क्रिप्शन वाले यहाँ पे आएंगे और बाकी टैग्स जो है वो यहाँ पे लग रहे हो, सिलेक्टेड टैग्स, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन में भी डालना और वहां पे भी डालना. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो कहता है कि आस्क द व्यूअर टू सब्सक्राइब टू योर चैनल इन द डिस्क्रिप्शन फॉर मोर वीडियोस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है? गेट माई स्कोर 81% पे आ गया, आखिरी चीज खत्म, ठीक है? इस तरीके से करके डिस्क्रिप्शन को भी लंबा कर देना. अपनी वेबसाइट या फेसबुक का पेज है तो वो भी डाल देना डिस्क्रिप्शन में, तो तुम लोग का जो स्कोर है वो बढ़ता जाएगा और स्कोर तुम लोगों का बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है? एक ये टूल है जिस तरीके से तुम लोगों को तुम्हें पता चल गया कि तुमने टाइटल कैसे लिखना है, कितना लंबा लिखना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, कितनी लंबी लिखनी है, और टैग सिंपली तुमने यहां से पिक करते चले गए नीचे वाले हिस्से से, तुम्हारे सारे टैग्स तुम्हें मिल गए. एक मैंने तुम लोगों को बात कही थी कि ये वीडियो डायरेक्टली भी अपलोड हो जाती है. अपना जो भी YouTube का चैनल है वो अकाउंट सेटिंग से जाके तुम लोगों को यहाँ पे साइन इन करना होता है, ऐड करना, साइन इन कर देना. कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, ये बच्चों वाला प्रोसेस है, मैं इसमें भी नहीं जाऊंगा, लेकिन इट्स वेरी इजी. यहाँ पे तुम लोग क्लिक करोगे, ऐड करोगे, वो कहेगा अपना अकाउंट बताओ, YouTube का अकाउंट है, फिल्म एंड एनिमेशन है, ऐड करना, वो उसके क्रेडेंशियल्स मांगेगा और तुम्हारा चैनल ऐड हो जाएगा. उसके बाद सिंपल यहां से सिलेक्ट करना YouTube, चैनल तुम्हारा यहाँ पे आ रहा होगा और अपलोड का बटन क्लिक कर दोगे, ये वीडियो डायरेक्टली यहाँ से YouTube पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है? उन लोगों को अलग से जाके YouTube पे अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी. अच्छा, दिस इज ट्यूब रैग बीट. अगली बात आ जाती है दूसरे टूल की. सर ये स्कोर वैसे होना कितना चाहिए? यार जितना ज्यादा उतना अच्छा, ऑब्वियसली 100% सबसे अच्छा स्कोर होता है, लेकिन दैट्स फाइन इनफ, 90% 95% पे हिट कर जो तो इट्स गुड इनफ. क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जैसे कि मैंने बताया ना बाजू का, अब फॉर एग्जांपल वो मुझे अभी भी कह रहा था टाइटल लंबा करो, अब मैंने कर दिया था, उसने ओके कर भी दिया एंड पे, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आ रहा था तो मैंने वापस उसको रिड्यूस कर, ठीक है? मैं रिड्यूस ना करूं तो 100% पे चला जाएगा वो, ठीक है? लेकिन मैं थोड़ी सी अपनी अक्ल भी इस्तेमाल करूंगा कि मैं अगर कहता हूं कि नहीं कोई मसला नहीं 95% पे स्कोर रहे, ये मेरा ख्याल है, मेरी नजर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा अच्छा है, तो वो भी चलेगा. फॉर YouTube वीडियो डिस्क्रिप्शन सर आवाज नहीं आ रही. सर आपकी आवाज नहीं आ रही.
ठीक है चलो, अब मेरी आवाज आ गई होगी। अच्छा मैं तुम लोगों को क्या कह रहा था कि वीडियो मार्केटिंग ब्लास्टर जो है वो नजर गो टूल मैंने गूगल पे जाके इसको सर्च किया, वीडियो मार्केट कर दे। फ्रेंड ये वाला पंखा बंद करके ना वो वाला चला लो। अच्छा देखो मसला ये है कि अगर तो आप ये चाहती हो कि जैन जो है वो पंखा बंद करके दूसरा पंखा उठाए, तो कोकब ये वाली बात आप प्राइवेट में जैन से करो, ठीक है? चलो ठीक हो। ये टूल है एक पाकिस्तानी का, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। स्क्रीन शेयर बंद होगी थी जी। अच्छा जी ये टूल है एक पाकिस्तानी का और ये नाम है, इट्स अ गुड टूल, काफी प्रैक्टिकल टूल है। 27 डॉलर्स का ये टूल है। दूसरा कितने का था? लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा है इसका, इसकी वेबसाइट का। इसको मैसेज करके कमेंट करके भेजो भाई तुम्हारी वेबसाइट बहुत देर में लोड होती है, हम तुम्हारी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन सर करते ऑप्टिमाइजेशन हैं ऐसे करनी लोड से। पड़ेगी। हाँ देखो ना इसकी इसकी वेबसाइट देखो कितनी देर में ओपन हो रही है। ये वाली देखो, ये हमने ओपन की, वीडियो मार्केटिंग ब्लास्टर फॉरन से ओपन होगी। इसकी पिछली दफा भी बड़ी देर बाद ओपन हुई है वेबसाइट। इसको मैसेज करके भेजो भाई तुम लोगों को यूट्यूब पे रैंक करवा रहे हो, मैं तुम्हें फिर उस पर गूगल के ऊपर एसईओ करके देता हूँ। बहुत तुम्हारी निकम्मी किस्म की लोडिंग स्पीड है। चलो होता है इतनी देर, हम लोग इसको देखते हैं। अच्छा वीडियो मार्केटिंग ब्लास्टर इसका क्या बेनिफिट्स हैं? ठीक है, वो कहता है कि तुम यू कैन रैंक ऑन फर्स्ट पेज ऑफ गूगल एंड गेट अ टन ऑफ टारगेटेड ट्रैफिक विदाउट नोइंग एनी एसईओ, विदाउट बिल्डिंग बैक लिंक्स, विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। ठीक है, ना पैसा चाहिए, ना बैक लिंक चाहिए, ना आपको नॉलेज चाहिए एसईओ की, और आप अपनी वीडियो को रैंक करवा। अच्छा जी, फर्दर मोर क्या फायदा है इसका? चलो बहुत लंबा है, अभी हम मजीद इसको मजीद डिटेल्स में देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। एक चीज तुम लोगों ने जहन में रखनी है जब तुम इस वीडियो के ऊपर काम करोगे, स्टूल के ऊपर काम करोगे, वो चीज क्या है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ये टूल है, ये अगर मेरा मूड अच्छा हुआ तो मैं तुम लोगों को एंड पे दे दूंगा। इसको जब तुम लोगों ने ओपन करना है, सबसे पहले तो ऑब्वियसली यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों ने ईमेल नहीं देनी, कोड नहीं देना, स्टार्ट अपडेट नहीं करना, तुम लोगों ने स्टार्ट वीएमबी प्रो पे क्लिक करना। ठीक है, स्टार्ट वीएमबी प्रो पे क्लिक करना। वो दोबारा से पूछेगा अ न्यू वर्जन अवेलेबल है, कि तुमने अपडेट करना है कि नहीं करना, आप लोगों ने नो पे क्लिक करना। ठीक है, ये तुम लोगों को मैं बता रहा हूं। अगर तुम लोग यस कर दोगे वो अपडेट करेगा, अपडेट के बाद तुमसे की मांगेगा, की तुम लोगों के पास होगी कोई नहीं, फिर तुम मेरा दिमाग खाना शुरू कर दोगे। ठीक है, इस वजह से स्टेप्स मैंने तुम्हें बता दिए कि कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहले तुम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट वीएमबी प्रो पे क्लिक करना है, और उसके बाद वो जब कहेगा कि डू यू वॉन्ट टू अपडेट टू लेटेस्ट वर्जन, उससे कहना है नहीं, हम पुराने पे खुश हैं। अच्छा अगली बात आ जाती है कि दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ठीक है, जो एक वीडियो मार्केटिंग ब्लास्टर का जो वो है, क्या कहते हैं, यूजर इंटरफेस है। यूजर इंटरफेस कहते हैं जो चीज आपको, छोड़ो यूजर इंटरफेस किसको कहते हैं, ये है दिस इज हाउ इट लुक्स। आप लोगों ने क्या करना है, आपका कीवर्ड है
अब ये मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ उनके लिए जो कि कोई पॉडकास्ट क्रिएट करना चाहते हैं या फिर कोई और किसी चीज के ऊपर पेनियर सेटअप करना है, पावर पॉइंट सिखानी है बच्चों को, बैकलिंक्स क्रिएट करना सिखाने हैं, या फिर और किसी किस्म की कोई चीज आप लोगों ने करनी सिखानी है, तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे आके उसको किस तरीके से सर्च करना है, आपको ये बनी बनाई डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं। अब आप लोगों ने कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ना, मैं इंसेक्ट किलर नहीं लिखू, इंसेक्ट होटल नहीं लिखूंगा, बिकॉज इंसेक्ट होटल एक एफिलिएट है, एफिलिएट के लिए मैंने तुम लोग को ऑलरेडी रिकमेंड कर दिया, वो जो मैंने रिकमेंड किया है वो ज्यादा बेहतर है, वो तरीकेकार ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे लिख देते हैं मेहंदी डिजाइन, लिख देते हैं, चलो मेहंदी डिजाइन लिख देते हैं। मैं कहता हूँ कि मेहंदी डिजाइन के ऊपर वीडियो जो है वो मैंने बना के अपलोड कर दी, ठीक है। ये खासतौर पर लड़कियों के लिए बड़ी अच्छी नीच है कि तुम लोगों को सामने फ्रंट फ्रंट ऑफ कैमरा आने की भी जरूरत नहीं है, हाथ नीचे रखो, बेशक अपने हाथ के ऊपर खुद ही रिकॉर्डिंग करती चली जाओ, एक ट्राईपॉड जो है ना, एक छोटा सा एक इस किस्म का ट्राईपॉड खरीद लो, ठीक है, ज्यादा महंगा नहीं होता, ये 200-300 रुपए का ट्राईपॉड होता है, इस किस्म का एक ट्राईपॉड खरीद लो। ट्राईपॉड खरीदने के बाद उस ट्राईपॉड पे अपना मोबाइल अटैच कर दिया और अपने ही हाथ के ऊपर मेहंदी डिजाइन करना शुरू कर दी, तुम्हें किसी और की जरूरत भी नहीं है, या फिर किसी दोस्त यार को बुला के उसकी हाथों पे मेहंदी लगा दी। लेकिन मेहंदी का काम इसका काफी ज्यादा होता है, तो विच इज वाई कि मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर बिल फर्ज कोई तुम लोगों में से इसके ऊपर काम करना चाहता है तो वो वीडियोज किस तरीके से बनाई। अच्छा आगे चलते हैं, कीवर्ड्स के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे आके तुम लोगों ने कीवर्ड्स के ऊपर आ जाना। मेन कीवर्ड मेरा क्या है, मेन कीवर्ड मेरा है मेहंदी डिजाइन, ठीक है। फाइंड कॉम्पेटिटर्स वन सेलेक्ट करो, इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट ना करना, ये वाली कर लो बेशक आखिरी वाली, ठीक है। बाकी इन तीनों बॉक्सेस को तुम लोगों ने चेक नहीं करना, उसकी वजह ये है कि इनको चेक करते हो तो रिजल्ट्स बहुत हैवी हो जाते हैं, वो बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करना शुरू कर देता है और उससे उसमें बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा, मतलब लिटरली उसमें को बाजू का 10-15-20 मिनट लग जाते हैं, इससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है। तो जब कीवर्ड सर्च करें मेन, तो उसमें दिस इज एनफ कि तुम यहाँ पे सिंपल सिंपल लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करो और यहाँ पे क्लिक करो। अब वो कीवर्ड्स उसमें सर्च करना शुरू कर देती है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको, जब तक वो टाइम लेता है, कोई सवाल पूछना है तो पूछो। अस्सलाम वालेकुम सर, हमने चैनल बनाना नहीं सिखाया यूट्यूब का। क्या करें अब, क्या करें, चलो कर लेते हैं, चैनल बनाने को मुश्किल काम नहीं, अभी मैं वीडियो अपलोड करके तुम लोगों को दिखा दूंगा। अच्छा ये मेरे पास वो आ गए सारे के सारे कीवर्ड्स आ गए, मैं इनमें से कीवर्ड्स को उठा लेता हूँ, ठीक है। ये पूरी कीवर्ड की लिस्ट आती है, तमाम कीवर्ड्स की एक लिस्ट आती है, अच्छा मैं कहता हूँ कि ये कीवर्ड्स चाहिए, मेहंदी डिजाइन चाहिए, मेहंदी डिजाइन फ्रंट सिंपल हैंड, मेहंदी, अच्छा मेहंदी के कलरिंग डिफरेंट है, ये मैंने चार कीवर्ड्स को सिलेक्ट, सर आपकी आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन है। ठीक है, आप जिस कीवर्ड पर काम करना चाहते हो उस पर कर लो, ऑब्वियसली आपने उसमें कंपटीशन पहले देख लिया, ट्यून रैंक क्योंकि आप कर सकते हो, नहीं एक्सक्यूज मी सर, कर आवाज क्लियर नहीं आ सकते, रही। बाकियों को भी आवाज में डिस्टॉर्शन हो रही है फील, यस सर, डिस्टॉर्शन हो रही है सर, सर काफी डिस्टॉर्शन है सर, अब ठीक हो गई है। अच्छा ठीक,
और बोलेंगे तो पता ठीक चलेगा है ना कि नहीं होगी। तो ओके होगी आवाज? यस सर। नो सर, नो सर, नो नो बोल सर। रही सर इसका ना आपकी आवाज स्क्रीन क्लियर भी नहीं क्लियर है। नहीं शो रही। स्क्रीन में प्रॉब्लम है। यस सर, नो सर क्यों चल रहा सर? सर आपकी ने अभी भी सही नहीं हुई आवाज। सर आपकी अभी आवाज एक नहीं सेकंड सही आ वहां रही, पर बड़ी कनेक्शन डिस्कशन है। वेट करो एक मिनट, मैं अपना कनेक्शन। हाँ जी, अब बताओ जरा आवाज क्लियर हुई है कि नहीं हुई? यस यस सर, सर क्लियर है, क्लियर सर क्लियर है आवाज। है। यस सर। ठीक है चलो, अब मैं फाइबर पे आ गया। फाइबर पे तो खैर पहले भी था, अब मैं लैंड पे आ गया। चलो जी आगे चलते हैं। मैं तुम लोगों से क्या कह रहा था कि जो भी तुम लोगों के कीवर्ड्स हैं तुम लोग यहाँ से उसको पिक कर लो, ठीक है? जिन कीवर्ड के ऊपर काम करना चाहते हो उन कीवर्ड्स को यहाँ से पिक करो और इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड करो, ठीक है? ये मैंने कॉपी मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ ये वाला प्रोसेस। मैंने मेहंदी डिजाइन लेके यहाँ पे सर्च किया था, यहां तक तो तुम लोगों ने देख लिया। उसके बाद मैंने ये मेहंदी डिजाइन ये वाला उठा लिया, मेहंदी डिजाइन फ्रंट हैंड सिंपल उठा लिया, मेहंदी डिजाइन ये उठा लिया और मेहंदी डिजाइन सिंपल ये उठा लिया, ठीक है? मैंने ये चार पांच कीवर्ड्स उठा लिए और इन चार पांच कीवर्ड्स को उठा के मैंने अब मैं इसकी बेस के ऊपर अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बनाऊंगा। तुम लोगों ने करना क्या है? एक काम तो तुम लोगों ने ये करना है कि जो भी वीडियो का तुम लेट से कीवर्ड को सिलेक्ट करो, उस कीवर्ड को तुमने जाके पहले यू रैंक जीत के ऊपर देखना है कि उस रैंक उसके ऊपर तुम रैंक कर सकते हो कि नहीं कर सकते। वो कीवर्ड जिसकी टॉप 10 के अंदर कंपटीशन कम आ रहा है वो कीवर्ड सिलेक्ट करना, सारे कीवर्ड्स मत सिलेक्ट करना, ठीक है? वो कीवर्ड्स, वन सेकेंड मैं रिपीट कर रहा हूं, वो कीवर्ड्स, ये ट्यूब रैंक जीत किया था ना हमने यहाँ पे, ये किया था हमने, ठीक है? इस पे रैंकिंग डिफिकल्टी फर्स्ट पे 100 आई थी परसेंट और फिफ्थ पे आई थी सिर्फ 8%। मैंने कहा कि यार ये इस पे मैं रैंक कर सकता हूं, तो मैंने इस कीवर्ड को इस्तेमाल कर लिया। तुम लोगों ने इसी तरीके से जब यहां पे काम करना है तो इस कीवर्ड, ये जो सिलेक्शंस यहाँ पे तुम लोगों के पास आई हैं, इसमें से मेक श्योर कर लेना कि रैंक तुम लोग कर सकते हो। मतलब जो जो ट्यूब रैंक जीत है वो तुम लोगों को ऑप्शन दे रहा है कि भाई रैंकिंग डिफिकल्टी 5वें नंबर पे या 10वें नंबर पे कम है और ये काम आसान है। उस कीवर्ड्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे आके कीवर्ड्स मैं इनको कर लिया कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ठीक है? यहां पे मैंने कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे मैंने क्लिक कर दिया। अगला स्टेप आ जाता है, यहां तक कोई सवाल? क्योंकि ये वाला स्टेप मैं रिपीट नहीं करूंगा। सर 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 यही टू लाइंस जो है ना वो रिपीट कर रहे हैं। अच्छा मैं रिपीट कर देता हूं। माइक अनम्यूट कर दो, जिसका माइक म्यूट कर दो जिसका अनम्यूट हुआ हुआ है। बिला वजह का जिसका माइक अनम्यूट हुआ हुआ है वो म्यूट कर दे। अच्छा वीडियो मार्केटिंग ब्लास्टर के ऊपर तुम लोगों ने, मैं वंस अगेन, वीडियो मार्केटिंग ब्लास्टर के ऊपर काम करो। वीडियो मार्केटिंग ब्लास्टर में तुमने कीवर्ड के ऊपर आए, जो भी मेन कीवर्ड था वो लिख दिया, यहां से सारे के सारे ऑप्शंस को अनचेक किया और ओनली लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया और रिसर्च कीवर्ड के ऊपर क्लिक कर, टूल ने सारी सारी लिस्ट निकाल के दे दी। अब क्या करना है? ये माइक किसका अनम्यूट हुआ हुआ है? कौन है? अली रजा, म्यूट योर माइक।
यहाँ पे आके मैंने फॉर एग्जाम्पल ये चार कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ. मैंने एक चीज जो कि मैंने ध्यान रखना है जिसका, वो ये है कि मेहंदी डिजाइन को मैं जाऊंगा और ट्यूब रैंक जीत पे रख के मैं देख लूंगा कि भाई इसकी रैंकिंग डिफिकल्टी क्या आ रही है. इसकी रैंकिंग डिफिकल्टी क्या आ रही है, फर्स्ट पे 100% आ रही है डिफिकल्टी, लेकिन फिफ्थ पे इसकी डिफिकल्टी आ रही है 5% 8%. ठीक है, मैंने देखा कि ये तो बहुत आसान काम हो गया है, तो मैं फिफ्थ के ऊपर इसको आराम से रैंक कर सकता हूँ. टेंथ के ऊपर भी अगर आप कर सकते हो तो भी ठीक है, कोई उसमें कोई इट्स वेरी स्टिल वेरी वेरी गुड. ठीक है, तो टॉप 10 में से आप लोगों ने देख लेना है कि कितने कॉम्पिटिशन कितना है और आप रैंक कर सकते हो कि नहीं कर सकते. ग्रीन का मतलब ये है कि आप यूर गुड, आप इस पर काम कर सकते हो. तो वो कीवर्ड्स जिनके ऊपर तुम लोग काम कर सकते हो वो कीवर्ड्स इसमें से सिलेक्ट कर लेना, कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लेना, दैट्स इट. यहां तक अभी तक मैंने यही बताया. ओके हो गया तो वन प्रेस करो सर फटाफट जल्दी से. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. हाँ जी, वन बाय वन पूछो. सही, यहाँ से किस बेस पे उठा रहे हैं हम, जो रैंक लिखा है या सोर्स के बेस पे उठा रहे हैं कीवर्ड? यहाँ पे उसके उस बेस पे उठा रहे हो कि ट्यूब रैंक जीत में किस कीवर्ड को रैंक कर सकते हो. फिर इसमें आगे सोर्स मेंशन है और रैंक मेंशन है ना, इसका भी इफेक्ट होगा या कीवर्ड पे नहीं? उसके ऊपर मत जाओ. ठीक है, उसके ऊपर भी फिलहाल मत जाओ. वो सोर्स बता रहा होता है कि ये कीवर्ड उसने उठाया कहाँ से. ठीक है, वो मतलब कीवर्ड जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने अपने टाइटल में लिखा हुआ था, उन्होंने अपने टैग में डाला हुआ था और डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ था, या फिर वो YouTube की सजेशन को उठा रहा कीवर्ड. ठीक है, ये सोर्स के ऊपर फिलहाल तुम लोगों को जाने की जरूरत नहीं. अच्छा, कमेंट्स इंतहाई काम आए हैं, समझ में ही है. यहाँ पे ये बहुत सिंपल प्रोसेस था, कोई मुश्किल काम इसमें हम लोगों ने नहीं किया. हम सिंपल हमने वीडियो मार्केटिंग ब्लास्टर खोला, कीवर्ड्स पे आए हम और यहाँ पे आके हमने अपना कीवर्ड को टाइप करके सर्च कर दिया. ये वाला स्टेप था. ये इसमें कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो समझ में नहीं आया या फिर कमेंट करना नहीं चाह रहे तुम लोग? इन बोथ केसेस दिस इज रिडिकुलस कि तुम लोग कमेंट नहीं करना चाह रहे सिर्फ इस वजह से कि एज आई ऑलवेज सेड मे बी यू आर टू कूल. सर जो इसमें हाई रैंक वाला हमने सिलेक्ट किया तो हमने रैंक देख सेट करना है या जो लोअर रैंक होगी हमने वो सिलेक्ट करना है? सर आपने फर्स्ट वाला रैंकिंग पे मत जाओ फिलहाल, फॉरगेट रैंकिंग, रैंकिंग के ऊपर मत जाओ. अच्छा चलो सर, हाँ जी पूछो. सर ये किस बेस पे हमने ये चार सिलेक्ट किए हैं ना, एक तो ये बता दीजिएगा, दूसरा इस वीएफबी में हम लोग क्यों आ रहे हैं, इसका उससे क्या लिंक है? सर ये काइंडली जरा डिस्क्राइब करें, शुक्रिया. जो तुम्हारा दूसरा वाला सवाल है ना कि वीएफबी पे हम क्यों आ रहे हैं, वो अगले कुछ 10 मिनट में उसको तुम्हें समझ में आ जाएगी कि हम वीएफबी पे क्यों आ रहे हैं. जो तुम्हारा पहला सवाल था कि ये मैंने चार किस बेस पे सिलेक्ट किए, मैंने इस बेस पे सिलेक्ट किए थे कि मेरा मेन कीवर्ड ये है और मेन कीवर्ड में मुझे ये चार समझ में आ रहे थे, जरा क्लोज थे, लेकिन मैंने ये सिलेक्ट नहीं किया अभी. मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे कर दिए. मैंने जाना है ट्यूब रैंक जीत के ऊपर और मैंने ट्यूब रैंक जीत के ऊपर देखना है कि मैं इनके ऊपर रैंक सकता हूँ कि नहीं. मेहंदी डिजाइन था ये, मेहंदी डिजाइन. ठीक है, ये कीवर्ड था जो कि मैंने एक सिलेक्ट किया. मैं यहाँ पे जाके देखूंगा कि टॉप 10 के ऊपर चेक करूंगा कि मैं रैंक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता. ठीक है, इसके ऊपर मोस्ट प्रॉब्ली मैं रैंक नहीं कर सकूंगा. वो देखो, वो कहता है कि नंबर फर्स्ट पे भी 100% डिफिकल्टी है और नंबर 10 पे भी 100% डिफिकल्टी है, तो ये कीवर्ड मैं ड्रॉप कर दूंगा, ये मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा. ठीक है, इसी तरीके से मैं ये स्टेप रिपीट करते जाऊंगा हताकि मुझे वो कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिसके ऊपर मुझे नजर आएगा कि भाई ये वाला कीवर्ड ऐसा है कि जिसके ऊपर मैं रैंक कर सकता हूँ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है मेहंदी के डिजाइन. अब मैं इसको देख लेता हूँ, एम ई एच ए मी हांडी के डिजाइन, मी हांडी, हांडी के डिजाइन, मेरा ख्याल है यही कीवर्ड था.
ये वाला मैं देख रहा हूँ, ये कीवर्ड ठीक है, मैंने इसको देख लिया। टॉप 10 के ऊपर जाऊंगा, सर्च करूंगा। अच्छा जी, हाँ जी, नहीं, फर्स्ट पे रैंकिंग डिफिकल्टी 100%, टेंथ पे रैंकिंग डिफिकल्टी 100%, ड्रॉप, ये मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा कीवर्ड। ठीक है, ये तरीका है जिसके थ्रू आपने सारे के सारे एक एक करके चीजों को आपने देखना है, और आपने ये देखना है कि आप किस कीवर्ड के ऊपर काम कर सकते हो, किस कीवर्ड के ऊपर काम आप लोग नहीं कर सकते। ठीक हो गया? राइट सर, थैंक यू। चलो अब मैं ज्यूम करता हूँ कि मैंने फॉर एग्जाम्पल ये, वालेकुम सलाम जी बच्चे। जी सर, मैंने ये पूछना था कि हम ये जो कीवर्ड सर सेलेक्ट कर रहे हैं, ये हम अपने टॉपिक टाइटल के लिए कर रहे हैं या रिलेटेड टैग्स के लिए कर रहे हैं? ये अभी तुम्हें पता चल जाएगा अभी अगले 5 मिनट में, इसका सवाल इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ओके अच्छा, ये हमने 3 कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर लिया। अब इन 3 कीवर्ड्स को सिलेक्ट करके मैं करूंगा कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ये मैं अज्यूम कर रहा हूं मैंने फाइनल कर लिया कि मुझे नजर आ रहा है कि भाई मैं रैंक कर सकता हूँ उसमें। ठीक है, अच्छा वैसे एक चीज मैं थोड़ा सा और बताऊं, मेहंदी डिजाइन ना इसके ऊपर सर्च वॉल्यूम इंतहा का ज्यादा है, इंतहा का ज्यादा सर्च वॉल्यूम है। तो तुम लोग फर्स्ट 10 से जाके फर्स्ट 20 पे भी जा सकते हो, फर्स्ट 20 पे भी अगर तुम लोग जा रहे हो तो उसके ऊपर भी वर्किंग कर दो बेशक, क्योंकि सर्च वॉल्यूम इंतहा का ज्यादा है, विच मीन्स कि तुम्हें फर्स्ट 20 में भी रैंक कर जाते हो तो तुम्हें इसमें व्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। इसके ऊपर मैंने ये 3 अज्यूम कर रहा हूँ कि ये 3 है वो कीवर्ड जिनमें फर्स्ट 10 के ऊपर मैं रैंक कर सकता हूँ, डिफिकल्टी मुझे नजर आती है आसान है, अज्यूम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ऑब्वियसली मैं बैठ के अब एक एक कीवर्ड सर्च नहीं कर सकता, मेथड बता दिया मैंने, सर्च करने के लिए बैठ जाऊंगा तो फिर हम यही काम करते रहेंगे। ये 3 मैंने कीवर्ड सेलेक्ट करके मैंने कर दिया कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अब अगला काम आ जाता है कि ये 3 चीज, ये 3 कीवर्ड जरा याद रखना, मेहंदी डिजाइन है, मेहंदी डिजाइन क्या है, फ्रंट हैंड सिंपल है, और ये तीसरा भी मेहंदी डिजाइन है विद द डिफरेंट इन स्पेलिंग। मैं गया वीडियो डिटेल्स में, नेक्स्ट स्टेप मेरा ये है, और मैं कहता हूं कि ऑटोमेटिकली मुझे टाइटल भी जनरेट कर दो, डिस्क्रिप्शन भी जनरेट कर दो, टैग्स भी जनरेट कर दो, और सजेस्टेड टाइटल्स इसके अलावा जितने भी हैं, तमाम की तमाम चीजें ऑटोमेटिकली फुल मुझे प्रिपेयर करके तुम दे दो रिजल्ट्स, मुझे कुछ भी ना करना, सिंपल। मैं यहां पे क्लिक करूंगा टॉप के ऊपर और मेन कीवर्ड के अंदर जाके मैं पेस्ट कर दूंगा। वहां पर मैंने चेक किया, ये ठीक है, ये इसने वही हमारे कीवर्ड्स पेस्ट कर दिए। यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी किया था और उसने वहां पे जो कॉपी हुए थे, वहां पे जो कीवर्ड्स में जहां पे मैंने कॉपी टू क्लिपबोर्ड किया था, यहां पे आके मैंने कंट्रोल वी किया तो पेस्ट हो गया। अब मैं इसको कह देता हूं कि स्टार्ट जनरेटिंग। चलो अब यहां पे ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है, चंद एक मिनट का बाजू का टाइम ले जाता है, क्योंकि ये टाइटल भी बना के देगा, डिस्क्रिप्शन भी बना के देगा, टैग्स भी सारे रिसर्च करके देगा, और फर्दर मोर सजेस्टेड टाइटल्स, सजेस्टेड फ्रेजेस और सजेस्टेड टैग्स भी तुम लोगों को बने बनाए रेडीमेड दे देगा। जब तक ये काम कर रहे अपना, तुम लोग सवाल पूछ। हाँ जी सर, एक तो हमारा मेन कीवर्ड होगा, लेकिन जो दूसरे कीवर्ड्स हैं उसको भी हम ऐड कर सकते हैं, चाहे वो हाईली रैंक्ड हो। नहीं, ये नहीं बताया था ना मैंने ये कहा था कि तुम लोगों ने कीवर्ड्स को, जो कीवर्ड्स का रिजल्ट्स आ रहे हैं, तुम लोगों ने उन तमाम के तमाम को सवाल किया। तुम ये पूछ रहे हो कि कीवर्ड में जाके जब सर्च, पूछ रहा हूँ कि जब आपने मेन कीवर्ड डाला है वहां पे, उसके रेलिवेंट हमने एक लो कंपटीशन कीवर्ड ढूंढ लिया,
क्या अब हम उसको मेन कीवर्ड बनाएंगे कि अपने मेन कीवर्ड को भी अपने जो सजेस्टेड टैग हैं या टैग्स लाइन के अंदर हम उसको भी ऐड करेंगे जो रैंक्ड कीवर्ड है? नहीं नहीं, तुम जो लो कीवर्ड रैंक्ड है, अभी देखो मैंने लो रैंक्ड कीवर्ड्स को पिक किया, मैंने उस लिस्ट को पिक किया, पहला वाला जो मैंने मेन कीवर्ड डाला था उसको मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है, मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया था, कॉपी पेस्ट में वो आए थे जो मैंने लिस्ट से निकाले थे कीवर्ड्स, कॉपी पेस्ट से वो आए थे जो कि मैंने लिस्ट से निकाले थे, ठीक है, उसमें जो मेन कीवर्ड था वो मेरा पीछे रह गया, लिस्ट के अंदर से जो भी मुझे कीवर्ड्स मिल रहे हैं वो मैंने कॉपी किए और यहां पे आके पेस्ट कर दिया। सर आपकी क्या सजेशन है, वो थ्री हमने वर्ड्स लेने हैं या ज्यादा भी लेने हैं, मतलब आपकी क्या सजेशन है? पहले आपने फोर लिए थे फिर थ्री कर दिए? नहीं नहीं, वो तो मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा था, वो यस सर, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल थी। अगर तुम लोगों को एक से ज्यादा कीवर्ड मिलते हैं जिनके ऊपर तुम रैंक कर सकते हो तो फिर एक से ज्यादा कीवर्ड्स का इस्तेमाल तुम लोग कर लो, नो प्रॉब्लम। सर जस्ट योर सजेशन, पर्सनल सजेशन पूछ रहा हूं। मैं एक और बताने लगा था बात, ये भी तुम लोग ये काम कर सकते हो कि एक वीडियो एक कीवर्ड पे बना लो और दूसरे कीवर्ड पे एक और वीडियो बना लो, तीसरे पे एक और वीडियो बना लो, यू कैन डू दैट एज वेल, ठीक है? राइट सर। अच्छा अब ये थोड़ा सा इसने काम कर दिया, थोड़ा सा ये काम करता रहेगा। अस्सलाम सर। हाँ जी वालेकुम सलाम। सर अगर कोई बायर सर हमारे पास आता है और वो अपने यूट्यूब चैनल की एसईओ करवाना चाह रहा है तो सर वो उसकी वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई है तो वो चाह रहा है कि वो उसकी वीडियोस रैंक नहीं हुई ऑलरेडी, तो उसकी वीडियोस तो वो बना चुका है सर, तो उसके लिए फिर से क्या हम ये दो सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, रैंक नहीं हुई बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि वो ऐसा कीवर्ड ना तुम लोगों को पकड़ा दे जिसके ऊपर वैसे ही रैंक करना इम्पॉसिबल हो जाए, ठीक है, वरना अदरवाइज तुम उसकी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो और ये टूल्स दोनों के दोनों टूल्स इस्तेमाल करके उसको तुम दे सकते हो कि ये जो मैंने तुम लोगों को दिया है काम करके इसमें तुम्हारी रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव फर्दर मोर हो गई है, लेकिन कुछ ऑब्वियसली कीवर्ड ऐसे होते हैं जो कीवर्ड बजाते खुद इतने एक्सट्रीमली टफ होते हैं कि उसके ऊपर रैंक करना जो है वो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इतना आसान नहीं होता। सर अगर वो वीडियो तो उसकी ऑलरेडी चैनल पे पड़ी हुई है, बना चुका है वो, तो उसमें दोबारा वो एडिट कर सकता है अगर मैं उसे बताऊंगी अब आप टाइटल में ये कीवर्ड यूज करें? ऑब्वियसली करेगा वो। ओके सिनेरियो आ जाता है कि जिस तरह आप कह रहे हैं टफ मतलब कीवर्ड आ जाता है, उस सिनेरियो के अंदर हम क्लाइंट को क्या मतलब कहेंगे? देखो उस सिनेरियो के अंदर ना एक्चुअली यूट्यूब के एसईओ में ना कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं, यूट्यूब के बैकलिंक्स भी क्रिएट होते हैं, सोशल मीडिया पे होते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, जैसे कोरा है, रेडिट है, विकी आंसर्स है, इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके वीडियो शेयरिंग होती है, बैकलिंक्स क्रिएट किए जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, पिंटरेस्ट, इंस्टा, इन तमाम जगहों पे जाके फिर तुम लोग बैकलिंक स्पीड क्रिएट करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो वो एक फर्दर मोर नेक्स्ट स्टेप चला जाता है यूट्यूब की वीडियो बैकलिंक्स क्रिएट करने का, ठीक है, मैंने उस पे मैं नहीं गया हूँ और उस पे मैं जाऊंगा भी नहीं, ठीक है, वो हम फर्दर मोर बहुत ही ज्यादा डीप चले जाएंगे, मैं इतना डीप तुम लोगों को इस लेक्चर में नहीं लेके जाना, वैसे कोई इतना मुश्किल काम है नहीं वो, अगर करना चाहो तो कर भी सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसको इग्नोर ही करेंगे। वैसे सेम होगा सर जैसे आपने हमें बैक लिंक्स का बताया है, उसी तरह से अगर हम YouTube चैनल के भी सर बैक लिंक क्रिएट कर सकते हैं, जैसे जनरली तरीकेकार सेम ही होता है, बस फर्क ही होता है कि फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से मेहंदी डिजाइन के ऊपर काम करो, फेसबुक के ऊपर जाओ, ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, वहां पे मेहंदी डिजाइन की अपनी वीडियो शेयर करो, कंटिन्यूसली शेयर करो वहां पे, उसमें बताओ कि ये मैंने यहाँ पे एक डिजाइन देखा था, ये डिजाइन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पे शेयर कर दूं, ये देखो मैंने अपने हाथ पे भी वो डिजाइन बनाया, इट लुक्स एब्सोल्युटली वंडरफुल, तो ये करना किस तरीके से, इसके लिए जो है ना वो तुम लोग यहाँ पे इस वीडियो को जाके चेक कर, एक बैकलिंक हो गया। इसी तरीके से हजारों सैकड़ों फेसबुक ग्रुप्स पढ़ते हुए तमाम के तमाम ग्रुप्स के ऊपर जाओ और अपने बैकलिंक्स जो है उन पे क्रिएट करते चले जाओ। कोई और सवाल सर?
सर हम लोगों ने मतलब अब जैसे कीवर्ड्स जो है वो सर्च किया और उस पे वीडियो बनाई है, तो बाकी जो अगली नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो भी हम लोग ऐसे ही कीवर्ड जो है वो सर्च करेंगे और फिर वीडियोस बनाएंगे बिल्कुल ऐसे उससे रेलिवेंट। यस सही है, सही है सर, थैंक यू, यू वेलकम। अच्छा अब तुम लोग देखो कि यहाँ पे ये इसने अपना काम कंप्लीट कर दिया, 5-1 मिनट लिए इसने और 5 मिनट के बाद इसने अपना एनालिसिस मुकम्मल कर दिया। इसने उसके बाद तुम लोगों को 4 स्टेप्स बताए। एक कहा अपलोड योर वीडियो एज अनलिस्टेड, इसका क्या मतलब है ये मैं भी तुम लोगों को बता दूं। स्टेप टू यूज टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन टैग्स VMB जनरेटेड, वो कहता है कि जो ये यहाँ पे टाइटल डिस्क्रिप्शन और टैग्स वगैरह यहाँ पे जनरेट हुए हैं इसी को इस्तेमाल करना, लेकिन एक नोट उसने दिया यू कैन टेक अ लुक ओवर इट इन ऑर्डर टू ट्विक इट इफ नीडेड। ये बहुत जरूरी है बिकॉज इसकी ग्रामर अक्सर ही ऊपर नीचे हुई भी होती है, तो पढ़ के ग्रामर ठीक कर लेना, सेट कर लेना आगे पीछे, बाकी अदरवाइज डिस्क्रिप्शन एज इट इज तुम यूज करो। ग्रामर वंस अगेन मैं कह रहा हूँ कि ग्रामर जरा थोड़ी सेट कर देना, ठीक है, उसमें हार्डली तुम्हारे 2-4-5 मिनट लगेंगे, आगे पीछे हल्की सी ग्रामर सेट कर लेना और उसके बाद एज इट इज डिस्क्रिप्शन को इस्तेमाल करो, टाइटल टैग्स को। अच्छा उसके बाद वो कहता है बूस्ट 40% ऑफ द नंबर ऑफ प्लेज लाइक्स शोन इन द राइट लाइक शेयर वीडियो, ये इन द लाइक नहीं इन द लेफ्ट है, बूस्ट 40% ऑफ द नंबर ऑफ प्लेज, ठीक है। अच्छा अब वो ये कह रहा है कि ये तुम लोगों के लिए अभी तुम लोगों को फील होगा कि बहुत डिफिकल्ट है, उसकी वजह कि जो ये ना मुद्रा काफी डिफिकल्ट, इस चीज को थोड़ा सा टेक्निकली समझ लो क्या होने लगा है यहाँ पे। जिसका माइक अनम्यूट है वो अपना माइक म्यूट करते, नहीं तो मैं डांटूंगा, बड़ा जोर का डांटूंगा। बूस्ट 40% 40% ऑफ द नंबर ऑफ प्लेज लाइक शोन इन द राइट, ठीक है, ये है 40% ऑफ द प्लेज, ये प्लेज है। वो कह रहा है कि इसका 40% जो है वो तुम जरा पहले हासिल कर लो व्यूज में, 40%, ठीक है, और 40% कैसे यार, ये किसने माइक म्यूट किया हुआ है, मसला ये कि मैं स्क्रीन के ऊपर काम कर रहा होता हूं, मैं उसको अजीब कसम से समझ में नहीं आता। इसका 40% जब तुम लोगों को लाइक व्यूज में मिल जाए या फिर लाइक्स हासिल कर लो, इन दोनों में से किसी का भी 40% हासिल कर लो, या व्यूज का 40% या लाइक्स का 40%, और फिर जब ये चीजें हो जाएं तो उसके बाद तुम लोगों ने अपनी वीडियो को लिस्ट कर देना। लिस्ट का मतलब पब्लिश होता है, अनलिस्टेड का मतलब होता है कि वीडियो तुमने अपलोड तो कर दी है लेकिन इट इज अनपब्लिश्ड, ठीक है, अनपब्लिश्ड। ये पब्लिश नहीं हुई भी, अनलिस्टेड का ये मतलब होता है कि वीडियो सिर्फ अपलोड की है पब्लिश नहीं की, जैसे आर्टिकल होता था, आर्टिकल को हम लोग लिख देते थे पब्लिश नहीं करते थे, अभी इसी तरीके से वीडियो को अपलोड कर दिया पब्लिश नहीं किया। तो कहता है कि वीडियो को अपलोड कर देना, पब्लिश मत करना, उससे पहले सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, मुख्तलिफ जगहों पे जाके कोशिश करो कि 40% तुम्हें इसके व्यूज मिल जाए। वीडियो को शेयर करना होता है, मैं बता दूंगा कैसे करना, बस वो काम सारा का सारा हो जाए उसके बाद तुमने वीडियो को पब्लिश कर दिया, ठीक है। अगर लेट से हम बात करते हैं 10,161 लाइक्स हैं, ठीक है, 10,161.4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब आ गया 4,000। ये लाइक्स जो 10,000 लाइक्स थे, इसका 40% हो गया ऑलमोस्ट 4,000 लाइक्स, तो 4,000 लाइक्स आपकी जब हो जाए तो फिर आपने इसको पब्लिश कर देना। हमारी जो वो है
ये क्या नाम है इसका, हमारे व्यूज और लाइक्स इतने ज्यादा इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि हमने कीवर्ड सेलेक्ट गलत किया हुआ है। ठीक है, मैंने अभी रैंडम कीवर्ड सेलेक्ट किया हुआ था, जो तुम लोग कीवर्ड सेलेक्ट करोगे उसमें इतना नहीं होगा, उसमें बहुत इंतहा का कम होगा इसमें। ठीक है, और वो बहुत आसान होगा, वो मुश्किल नहीं होगा, वो तुम लोग आराम से कर सकते हो। ये तो हमने कीवर्ड गलत सेलेक्ट किया ना, तो इस वजह से वो कह रहा है कि आपने कीवर्ड ही ऐसा सेलेक्ट कर दिया कि अब आपने इस कीवर्ड के ऊपर अगर काम करना है तो आप इतना ज्यादा करोगे तो फिर वो होगा। हाँ जी पूछो, तो पूछ रहा था कुछ, चलो जी कोई नहीं पूछ रहा कुछ। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम जी बच्चे। सर इसकी समझ नहीं आई जो आपने बताया। अच्छा मैं बता रहा हूँ, ये क्या, किस चीज की बात कर रही हो, क्या नहीं समझ में आया? सही लास्ट पे आप बता रहे थे, लास्ट पे मैं ये बता रहा था कि आपको वो कहता है कि आपने, यार मैं भी जरा करके बताता हूँ आपको भी समझना। अच्छा जी, यूट्यूब के ऊपर आप लोग आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे आप आते हो क्रिएट, यहाँ पे ना आपके पास एक वीडियो का निशान आ रहा है, ठीक है, ये प्लस सा बना हुआ है, वीडियो रिकॉर्डिंग निशान आ रहा है, आप यहाँ पे अपलोड वीडियो कर दो। यस सर। अपलोड वीडियो करोगे तो जो भी हमने वीडियो बनाई है हम उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने लेट्स से ये वाली वीडियो बनाई थी, रैंडम अपलोड कर रहा हूँ, मैंने बना। अब सबसे पहले मैं टाइटल लिखूंगा यहाँ पे, टाइटल मैंने क्या लिखना है, जो यहाँ पे मेरे पास टाइटल है इसकी इंग्लिश ठीक करूंगा, और इसकी इंग्लिश ठीक करने के बाद इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसका टाइटल लिख दिया। ओके सर। डिस्क्रिप्शन में आया, पूरी डिस्क्रिप्शन को कॉपी किया, इंग्लिश ठीक कर लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंग्लिश में अगर कोई हल्की फुल्की गलतियां होती हैं उसको सेट कर देना, और मैंने पूरी इंग्लिश यहाँ पे आके कॉपी कर दी, ठीक है, और इसको जरा स्ट्रक्चर भी बेहतर तरीके से कर देना, बस जरा सेंटेंस में ब्रेक दे देना, पैराग्राफ्स में ब्रेक दे देना, थोड़ा खूबसूरत तरीके से उसको लिख देना। टैग्स उठाए मैंने, कॉपी किए सारे के सारे टैग्स, ये मैंने सारे के सारे टैग्स पेस्ट कर दिया, ठीक है, कॉपी पेस्ट चल रहा है, सब कुछ भी नहीं हो रहा। पहले मैंने सबसे पहले टाइटल लिखा, कॉपी पेस्ट, डिस्क्रिप्शन लिखी, कॉपी पेस्ट, नीचे आ गया, थंबनेल डाल देना अपना, थंबनेल मैंने तुम लोगों को कल बनाना सिखाया था, ऑटोमेटिकली फिलहाल वो ये वाला थंबनेल जनरेट कर रहा है, अगर तुम लोग नहीं थंबनेल बनाओगे तो अपना बना देगा, लेकिन थंबनेल जो है वो फर्ज है बनाना, कल मैंने पूरा लेक्चर एक थंबनेल के ऊपर दिया था, तो थंबनेल बनाना अपनी वीडियो का और वो बना के यहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं थंबनेल अपलोड करता हूँ, कल हमने क्या बनाया था, अच्छा फोन नंबर वेरीफाई करना होता है, कह रहा है कि कस्टम थंबनेल्स के लिए फर्स्ट वेरीफाई योर फोन नंबर, एक मुश्किल स्टेप नहीं, एक स्टेप के अंदर फोन नंबर वेरीफाई करना और अपना थंबनेल अपलोड कर देना, मैं भी नहीं कर रहा फिलहाल फॉर सम रीजन। प्लेलिस्ट में डालने की जरूरत नहीं है। ऑडियंस का पूछ रहा है कि यस इट्स मेड फॉर किड्स, नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, हमारा कंटेंट बच्चों के लिए है, बच्चे जो है ना उसको देख सकते हैं, हमारा कंटेंट कोई ऐसा नहीं है जो कि कुछ एडल्ट कंटेंट हो जिसको बच्चों के लिए जो मुनासिब ना हो, हमारा ऐसा कोई कंटेंट नहीं है, इस वजह से यस इट्स मेड फॉर किड्स, एज रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, पेड प्रमोशन भी हम नहीं करना चाहते। उसके नीचे टैग्स आ गए, ये मैंने टैग्स वंस अगेन कॉपी किए थे यहां से और मैंने यहां पे पेस्ट कर दिए, टैग्स भी मेरे आ गए, आगे किसी चीज को फिलहाल छेड़ने की जरूरत नहीं है, सब चीजों को वैसे ही रहने दो। कैटेगरी डाल दो, कैटेगरी हमारी क्या है, पीपल एंड ब्लॉग्स डाल दो, ठीक है वही सही है। ठीक ये हो गया, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर
वीडियो एलिमेंट्स अभी फिलहाल तुम लोग ना डालो, वीडियो एलिमेंट्स एंड स्क्रीन होती है उसको फिलहाल ना भी डालो तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। कॉपीराइट का कह रहा है कि कोई इशू नहीं है, उसने कॉपीराइट के लिए चेक किया था वीडियो को, हमने वीडियो खुद बनाई है अपने खून पसीना एक करके, तो कहता है आपके कॉपीराइट्स का कोई इशू नहीं है तो आपका चेक जो है वो ओके है। ये तो इसने ग्रीन कलर का टिक लगाया हुआ है। नेक्स्ट कर देते हैं। ये चीज यहां पे आके आपने, अब यहां पे चीज देख लो कि जो तुम लोगों को कंफ्यूज करे, सेव और पब्लिश। अगर तुम इसी ऑप्शन को रह के इसको सेव कर दोगी तो वीडियो तो जो है तुम्हारी पब्लिश हो जाएगी, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी पब्लिश। यहां पे तुम पब्लिक रखोगी तो हर बंदा देख लेगा, प्राइवेट रखोगी तो सिर्फ कुछ लोग देख सकेंगे, अनलिस्टेड रखोगी तो जिस चीज के पास इसका लिंक है वो तमाम के तमाम लोग देख सकते हैं। वैसे ही पब्लिक नहीं होगी, वीडियो पब्लिक नहीं होगी, लेकिन जिसके पास लिंक है वो तमाम के तमाम लोग इसको देख सकते हैं। अनलिस्टेड का मतलब यह है कि वीडियो आपकी अपलोड हो गई है लेकिन सिर्फ वो लोग देख सकते हैं जिनके पास वीडियो का लिंक है। वीडियो का लिंक किधर है, ये रहा, कॉपी किया, वीडियो का लिंक आ गया। अब मैं कॉपी करके यहां पे अगर मैं पेस्ट कर देता हूं तो ये यहां पे लिंक आ गया। अब ये लिंक मैं जिस मर्जी लोग के साथ शेयर करूं वो तमाम लोग ये वीडियो देख सकते हैं। वैसे यूट्यूब रिजल्ट में ये नहीं आएगी, ये अनलिस्ट हुई थी, ये पब्लिश नहीं हुई थी, ठीक है। अब होगा क्या, अब मैं तुम लोगों को ये चीज दिखाता हूं जो ये कह रहा था। वो ये कह रहा था कि VMB Pro ये कह रहा था, क्या मुसीबत है, VMB Pro ये कह रहा था कि तुमने अपनी वीडियो को अनलिस्टेड के तौर पे अपलोड करना, कर दिया हमने ये वाला स्टेप, कर दिया, दिखा दिया मैंने कि अनलिस्ट करके तुम लोग कैसे कर सकते हो। उसके बाद कहता है कि ये वाला स्टेप तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये स्टेप हम लोगों ने कर लिया पहले से ही, ऑलरेडी हो गया, इसको मैं क्रॉस आउट कर देता हूं, स्टेप टू इज डन। इसमें टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स डालने थे, हमने डाल दिए। अब अगला स्टेप आ जाता है, वो कहता है कि इसको बूस्ट करो या तो, या फिर इसको शेयर करो, लाइक एंड शेयर योर वीडियो विद योर सोशल मीडिया अकाउंट्स, ठीक है। मतलब ये कि जो तुम्हारी वीडियो है उसको तुम फेसबुक पे, ट्विटर पे, फेसबुक ग्रुप्स में, मुख्तलिफ जगहों पे शेयर करो, और जब इसके जो व्यूज हैं वो 40% हो जाएं इसके कंपैरिजन में, तो उसके बाद तुमने वीडियो को पब्लिश कर देना। सर इस चीज के पीछे क्या साइंस है कि हम जब तक वो इस व्यूज के टारगेट का 40% अचीव नहीं कर सकते उतनी देर वीडियो को पब्लिश नहीं कर सकते? देखो मैं बहुत ज्यादा साइंस में इनडेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा मकसद नहीं है साइंस की इनडेप्थ में जाना। मैं हल्का सा तुम लोगों को समझा देता हूँ इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये होती है कि जब वीडियो अपलोड हो रही है और ऑलरेडी वीडियो एक पावरफुल वीडियो अपलोड हो रही है जिसके ऊपर लेट्स से 100-200 व्यूज हैं या 200-250 व्यूज हैं, तो जब वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड होती है पब्लिश होती है पब्लिक के लिए, और जब वो पब्लिक के लिए पब्लिश हो रही है उस वक्त ऑलरेडी 250 व्यूज उसके ऊपर मौजूद है तो वीडियो को बूस्ट मिल जाता है, ठीक है। यूट्यूब एल्गोरिथम है ना इस तरीके से काम करता है, यूट्यूब उसको वीडियो का आपको बूस्ट मिल जाता है और आपकी रैंकिंग ऊपर आ जाती है। तो गूगल सर्च रिजल्ट में या फिर यूट्यूब रिजल्ट में जब आप उसको सर्च करोगे तो आपको एक एज मिल जाता है उसके साथ, ठीक है। अच्छा ये एक चीज मैं दोबारा बार बार बता रहा हूँ, इस नंबर ऑफ व्यूज को देख के परेशान ना हो जाना कि ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा इस वजह से कि हमारी कीवर्ड सिलेक्शन जो थी वो गलत थी, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको दोबारा, वंस अगेन आई एम नोटिंग इट डाउन ओवर हियर, के Our
माइक म्यूट करो यार, जिसका अनम्यूट हो जाता है। एक तो ये मैं तुम लोगों को अपने हाथों के ऊपर कंट्रोल, और कीवर्ड सिलेक्शन वाज रॉन्ग, ठीक है। हमने कीवर्ड जो सिलेक्शन की थी वो हमने गलत की थी, जिसकी वजह से ये इतने ज्यादा व्यूज डिमांड कर रहे हैं हमसे। जब हमारी वीडियो सिलेक्शन ठीक होगी, जो कि तुम लोग जाके चेक करोगे उस पे ट्यूब रैंक जीत के ऊपर के रैंक कर सकते हो कि नहीं कर सकते, जो आसान कीवर्ड्स हैं उनको जब तुम सिलेक्ट करोगे तो ये कहानी तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। यहाँ पे उसकी जो डिमांड होगी ना, ये वाली डिमांड बहुत कम हो जाएगी। जो भी यहाँ पे ये डिमांड होगी, इसका 40% जब तुम्हें मिल जाएगा व्यूज में, तो अपनी वीडियो को तुम लोगों ने जाके यहाँ से होल्ड ऑन अपनी वीडियोस को यहां से जाके तुमने पब्लिक कर देना। हाँ जी पूछो, कौन पूछना चाह रहा था? सर मैं पूछना चाह रहा था सर, ये है कि इसमें से जो इसने दिया सब्सक्रिप्शन का, व्यूज का, और ये एक दो चीजें इसने और भी दी हैं, हमें दिखाई हैं, तो कमेंट्स हो गए, लाइक्स हो गए, इसमें से हमने एक चीज को फॉलो अप करना है कि सब चीजों को 40% मतलब सब्सक्रिप्शन का 40%, जस्ट वन ऑफ देम, कोई एक। ओके सर, थैंक यू सर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम। हाँ जी वेलकम सर, ये जो कमेंट्स हैं 193 कमेंट्स हैं सर, अगर इसका 40% कर दें तो तब भी हो जाएगा सर? देखो जो लिखा हुआ है ना उसको फॉलो करो, ठीक है। आई डोंट नो, हो सकता है हो सकता है ना हो, मुझे नहीं पता, मैंने कभी ट्राई नहीं किया कमेंट्स के ऊपर जाने के लिए। मैंने जो उसने मुझे रिकमेंडेशंस दी हुई होती है मैं उसी के ऊपर चल रहा होता हूँ, उसी के ऊपर फोकस कर रहा होता हूँ, और उसने व्यूज और लाइक्स के ऊपर कहा तो मेरा व्यूज एंड लाइक्स के ऊपर होता है। बेसिकली असल कहानी मैं तुम्हें बात बताता हूँ, असल कहानी जो है वो व्यूज के ऊपर, तुम लोग मुख्तलिफ जगहों पर शेयर करते रहते हो, व्यूज तुम्हें मिलते रहते हैं, असल मेजर चीज जो है ना वो व्यूज है, व्यूज के ऊपर फोकस, लाइक्स एंड कमेंट्स को रहने दो, सब्सक्राइबर्स को तो बिल्कुल नहीं रहने दो। व्यूज एंड लाइक्स के ऊपर, सॉरी व्यूज के ऊपर फोकस रखो, एंड व्यूज जब तुम्हें 40% मिल जाए इस वैल्यू का, तो अपनी वीडियो को जाके अनलिस्टेड से उठा के पब्लिक कर दो, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है सर, ये क्यूब रैंक जीत पे जो हमने डिफिकल्टी देखी है कीवर्ड्स की, वो विद इन कितने होना चाहिए, 1 to 10 के अमंग होना चाहिए? डिफिकल्टी की बात कर रही हो? जी सर, डिफिकल्टी मैंने कहा था कि ये ग्रीन होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अभी ये रेड है, ये ग्रीन होनी चाहिए, 10th पे ग्रीन होनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। 15-20% 25% चलता है। हाँ जी, किसी का कोई सवाल? अजीम बात कर रहा हूँ। हाँ जी वालेकुम सलाम अजीम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन सर ये था कि अगर आ रही लेकिन इंटरेस्ट हमारा वो है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? और दूसरा सवाल, बात हमारी कट गई थी अजीम दरमियान में, दोबारा बोलना। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हमारा इंटरेस्ट या हमारा पैशन किसी एक चीज में है, लेकिन जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट है ज्यादा, जिसमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, उसमें कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा आ रही है, तो इन दैट केस क्या हमें फिर भी ट्राई करनी चाहिए, या हमें उस कीवर्ड के लिए जाना चाहिए जिसपे डिफिकल्टी कम हो, चाहे उसमें हमारा पैशन नहीं है? दूसरा सवाल सर ये था कि हम लोग मल्टीपल अगर चैनल क्रिएट करना चाहते हैं तो क्या बेहतर है एक ही ईमेल पे बन सकते हैं, या हर के लिए एक अलग ईमेल यूज करें हम लोग? चैनल एक ही ईमेल पे बन सकते हैं ज्यादा, ठीक है जी। अच्छा अगली बात आ जाती है, पैशन की बात की थी और तुमने बात की थी कि डिफिकल्टी, अगर तुम्हारा पैशन उस पर ज्यादा है लेकिन डिफिकल्टी तुम्हें उस पर ज्यादा मिल रही है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें ये करना चाहिए कि तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम अपने पैशन के लिए काम कर रहे हो या पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हो। अगर तुम पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हो तो वो वाली नीच ढूंढो जहां पे डिफिकल्टी काम। अगर तुम अपने शौक के लिए काम कर रहे हो तो फिर रिगार्डलेस ऑफ डिफिकल्टी जो मर्जी है, पैसा आता है या नहीं आता, तुम अपने पैशन के मुताबिक ये चले जाओ। लेकिन यहाँ पे मैं तो अर्निंग के लिए काम कर रहा होता हूँ, अगर मेरी अर्निंग के लिए ही मेरी मोटिवेशन है कि मैं पैसा कमाऊं, तो
तो उसके अंदर मैं वही चीज या नीच इस्तेमाल करूंगा जिसकी डिफिकल्टी कम हो। अगर उस पर मुझे अपना पैशन भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा। ढूंढने की कोशिश जरूर करूंगा मैं पहले अपना पैशन, कि मुझे कोई ऐसा कीवर्ड मिल जाए जिस पर पैशन भी हो, डिफिकल्टी दोनों चीज होंगे। चलो अगर कोई सवाल नहीं है तो मुझे बताओ, मैंने तुम लोगों को आखिरी जो चीज मैंने तुम लोगों को बताई भी थी कि मैं आज दूंगा वो मैंने देनी। अगर कोई किसी का इम्पोर्टेंट सवाल है, मेरा एक क्वेश्चन है सर, इंसेक्ट हाउस का कीवर्ड हमने क्यों नहीं सर्च किया VBM पे, मेहंदी वाला क्यों किया? कर लो वो वाला कर लो, कोई वजह उसकी, एक वजह ये थी कि ये जो यहाँ पे वो निकलती है डिस्क्रिप्शन निकलती है, ये मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा था कि अगर किसी का पॉडकास्ट जिसकी ने करना है, किसी ने कोई और चीज करनी है तो डिस्क्रिप्शन यहाँ से उठा सकता है, या अगर कोई पॉडकास्ट के अलावा किसी वैसी मेहंदी डिजाइन टाइप की किसी चीज के ऊपर काम कर रहा है तो यहाँ से उठा सकता है। मैंने तुम लोगों को ये चीज यहाँ पे एक लिख के दी थी कि अगर तुम लोग एफिलिएट के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, एफिलिएट, एफिलिएट का मतलब है कि इंसेक्ट जो हमने होटल देखा था, अगर तुम उसको उसके लिए काम कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन है, बनी बनाई डिस्क्रिप्शन है, इस चीज को इस्तेमाल करो, ये उन तमाम डिस्क्रिप्शन से बेहतर है। ओके सर, थैंक यू। एफिलिएट की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैंने इसीलिए यहाँ पहले दी थी और उसके बाद फिर मैंने अगली बात की। चलो कोई सवाल रह गया तो फटाफट करो, टाइम अगर मुक गया तो आखिरी चीज रह जाएगी। सर सवाल कर लेंगे, आप पहले बता दें। अच्छा अच्छा, मैं चाह रहा था कि आज भी दिन निकल जाए। चलो सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो, लंबा सा सवाल पूछना करो। सर एक ही मेल पे ज्यादा हम अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन सर अगर किसी का हैक हो अकाउंट हो तो ना अलग अगर एक मैसेज फिक्स करेंगे कि अगर इस तरह हो तो सब अकाउंट ही हो जाएंगे। क्या मतलब किसका है अकाउंट? सर आपने कहा है ना एक ही मेल पे ज्यादा अकाउंट बना सकते हैं हम। हाँ चैनल्स की बात की थी मैंने। जी सर, तो सर अगर उस पे अगर किसी का चैनल हैक हो जाए तो उसमें तो सभी हो जाएंगे एक ही, क्योंकि मेल पे बने होंगे वो। देखो हैकिंग से अपने आप को वैसे ही बचा के रखो ना, हैकिंग होगी तो बैंक अकाउंट भी जा सकता है, एटीएम भी जा सकता है, सब कुछ ही हो सकता है वो, तो फिर डिफरेंट ईमेल्स पे कर लो। चलो अगर आप हैकिंग के तर से कह रही हो, कंसर्न हो तो आप उसका तरीकेकार तो फर्स्ट यही होता है कि आप मुनासिब तो यही होता है कि आप हैकिंग से बचो, लेकिन ठीक है अगर आप कहती हो मैं हैकिंग से बचने के लिए दो अलग अलग ईमेल्स के ऊपर करना चाहती हूँ तो आप ऐसे कर लो, कोई सी बात। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम, लंबा सा सवाल पूछो। जी जी सर, आपने सबटाइटल्स का नहीं बताया, वो ऐड करने में कुछ सिंपल सा टूल उसके लिए। क्या करने हो? सबटाइटल्स। सबटाइटल्स ऐड करने हो? सबटाइटल्स तो तुम्हारा यहाँ पे आएगा ना इसके अंदर, ये तुम्हारी वीडियो है। मैं वही बात कर रहा था, वीडियो एडिटिंग में वो नहीं बताया, उसका भी सिंपल सा टूल अगर है या उसी उसका थोड़ा सा आइडिया दे दें। मैंने एक्चुअली वॉइस ओवर बता दिया था, सबटाइटल तुमने ऐड करना, ये देखो ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं ठीक है ना, जैसे ये बुलेट पॉइंट्स हमारे नजर आ रहे हैं वैसे ही बॉटम के ऊपर तुम सबटाइटल डालो, मतलब जो जो बोल रहा है और नीचे बॉटम के ऊपर आ रहा है बेसिकली, वैसे बाय द वे ये तकरीबन सबटाइटल ही है, बिकॉज जो टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है एग्जैक्टली वही चीज वॉइस ओवर में भी चल रही है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा जी चलो, 29 हो गए सर, बता दें आज। अच्छा चलो जी, सर अल्लाह जाने, जैसे लास्ट बॉल पे मैच फंसा होता है ना वो हालत है इस वक्त पूरी क्लास की। देखो फखर जमान की डबल सेंचुरी नहीं हुई तो मैं तो कहता हूँ कि तुम लोगों की भी राइज है। अच्छा चलो, तो हुआ था उसके साथ YouTube ट्रांसक्रिप्शन ये एक ऐसी नीच है जिसका कंपटीशन सिफर के बराबर है और इसके अंदर काम मौजूद है। YouTube ट्रांसक्रिप्शन प्लस पॉडकास्ट ट्रांसक्रिप्शन, ये
ठीक है, इसमें भी जीरो के बराबर है कॉम्पिटिशन और काम मौजूद है। अगर मैं ओपन करता हूं उनको, भी ओपन तुम एक गिग बनाओगे जो दोनों कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करेगी, ऑर्डर्स इन क्यू वन, ऑर्डर्स इन क्यू नहीं है लेकिन ये 234 ऑर्डर्स है और लास्ट डिलीवरी इसकी कब है, 22 घंटे पहले, मतलब अभी अभी डिलीवरी दी है इसने, इसके ऑर्डर्स 4 हैं, लास्ट डिलीवरी कब है, 22 घंटे पहले, इसने भी अभी भी पिछले 24 घंटे में डिलीवरी दी है, ऑर्डर्स इसके 34 हैं, ऑर्डर्स इन क्यू नहीं है, लास्ट डिलीवरी 3 डेज पहले दी है, 3 ऑर्डर्स इन क्यू, 2 ऑर्डर्स इन क्यू, 2 ऑर्डर्स इन क्यू, 3 ऑर्डर्स इन क्यू, इसका इसको छोड़ दो, 12 हैं, इसकी डिलीवरी लास्ट कब है, 1 डे अगो, यहाँ पे इसकी भी डिलीवरी बड़ी रिसेंट होगी, 3 घंटे पहले इसने डिलीवरी दी है, चार दिन पहले दी है, इसको छोड़ दो, तीन दिन पहले दी है, इसको भी लेट से छोड़ देते हैं, चौदह घंटे पहले, ठीक है। अभी हम लोगों ने ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हमने टोटल गिग्स खोली थी 16 में से 11 गिग्स के पास या तो ऑर्डर इन क्यू लाइन में लगा हुआ है या फिर पिछले कुछ 24 घंटों के अंदर अंदर उन्होंने डिलीवरी दी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये नीच जो है वो वर्केबल है, पहली बात ये कीवर्ड रिसर्च का जो काम है ये वर्केबल है। और अगला जो काम आ जाता है वो ये कि इसके ऊपर कंपटीशन बहुत कम है, एक्सट्रीमली कम। उसके अगली बात आ जाती है कि ये इसमें करना क्या है, इसमें करना एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं है। तुम लोगों ने, अगला बंदा तुम लोगों को एक वीडियो देगा, वो चाहे यूट्यूब की वीडियो हो चाहे वो कोई पॉडकास्ट हो, पॉडकास्ट भी यूट्यूब के ऊपर जा रहा होता है तो पॉडकास्ट हो, बेसिकली वो एक वीडियो देगा तुम्हें, जो मर्जी वीडियो, उसमें जो जो बंदा जो जो बात कर रहा है उसको तुम लोगों ने रिटन फॉर्म में लिख के क्लाइंट को डॉक्यूमेंट में सेंड करना है, ये करना है और कुछ भी नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल लेक्चर, मैंने तुम लोगों को ये 2 घंटे का लेक्चर दिया, मैं चाहता हूं कि जो मैंने लेक्चर दिया है इसका मुझे टेक्स्ट फॉर्म में रिटर्न भी आ जाए कि मैंने टोटल एक एक लफ्ज क्या बोला, पूरा शुरू से लेके एंड तक एक रिटर्न फॉर्म में जो है ना मेरा पूरा लेक्चर लिखा हुआ आ जाए मुझे, कि शुरू से लेके एंड तक मैंने इसमें क्या बोला है, जो जो मैंने बोला है मेरे लफ्ज सारे के सारे मुझे तुम लोग एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिख के सेंड, तो मैं तुम लोग को एक वीडियो सेंड करूंगा, तुम लोग लिख के मुझे सेंड कर, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, विच मीन्स कि जो भी अगले बंदे ने बोला हो वो आपने रिटन फॉर्म में लिख लेना है, उसने जो जो लफ्ज अदा किए हो अपनी जबान से आपने उसको रिटन फॉर्म में लिख देना और वो आपने लिख के उसको सेंड कर। मुझे जरा बताओ इससे आसान कोई चीज हो सकती है तुम लोगों के लिए करने के लिए? सर इसमें कोई टूल भी है? नहीं, इसमें कोई टूल देखो, उसमें टूल इस्तेमाल तो तुम लोग कर सकते हो लेकिन वो टूल इस्तेमाल मत करो, इसमें तुम लोग अपने ये वाला टूल इस्तेमाल करो, ठीक है, मेहनत करो, क्योंकि टूल में ना गलतियां हो जाती हैं, तो टूल को इस्तेमाल मत करो, जो जो बोल रहा है उसको लिखते जाओ, 5-5 सेकंड करके चलाते जाओ चलाते जाओ, जो जो बोल रहा है लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, एंड में डॉक्यूमेंट की फॉर्म में बना के उसको सेंड कर दो। सर वर्ड पे बना करेंगे उसे डॉक्यूमेंट की फॉर्म में? वर्ड पे बना के दे दो, ठीक है सर। इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। हाँ जी बताओ ट्रिक अपनी। सर ऑनलाइन एमएस वर्ड होता है ना, वहाँ पे ओपन करें
तो उसमें डिक्टेशन का ऑप्शन होता है, उसको ऑन करें और फोन पे वीडियो चलाएं, फोन का जो फोन को जो है करीब रखें लैपटॉप के, जो बोलता जाएगा उस पर टाइप होता जाएगा। वो सिर्फ ऑनलाइन पे नहीं होता, वो मेरा ख्याल है ये जो आप लोगों की जो नॉर्मल वर्ड है उसके अंदर भी एक ऑप्शन होता ही। आई बिलीव कि ये मैंने ऑप्शन इस्तेमाल किया था। आई थिंक पेड होता है ये, मुझे तो ऑनलाइन पे मिला था, इससे नहीं मिला मुझे। हाँ सर, मैं वर्ड पे यूज करती हूँ ये। हाँ वर्ड पे है ना ये ऑप्शन? यस सर, मैं फोन पे वर्ड पे यूज करती हूँ ये। सही है, ये वर्ड पे ऑप्शन होता है तो वो ऑनलाइन नहीं है, यू कैन यूज इट ऑन द वर्ड एज वेल, बट वेरी वेल फॉर पॉइंटिंग इट आउट। सर फोन पे इजीली यूज हो जाता है, फोन पे ना, मोबाइल फोन पे। सर वो मैं उसको रिकमेंड क्यों नहीं कर रहा था, मैं बता देता हूँ कि मैं क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा था। हाँ मैं उसको रिकमेंड इस वजह से नहीं कर रहा था क्योंकि उसमें ना गलतियां होती हैं, अगर तुम चाहो तो वैसे काम कर लो लेकिन उसमें ना गलतियां होती हैं, तो उस अगर तुम लोगों ने वैसे काम करना है तो बी वेरी एक्सट्रीमली विजिलेंट एंड वेरी केयरफुल कि गलती ना कर जाओ कोई, ठीक है? बाज़ूकात होता है बंदा एक उसको इस्तेमाल करके बंदा इतना कंफर्ट लेवल में चला जाता है कि गलत चीज भेज देता है, ये काम नहीं होना चाहिए। इस वजह से मैं कह रहा था जरा अपनी अकल इस्तेमाल करके करो, उसमें गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये जो टूल्स होते हैं, टूल्स बहुत फ्रीक्वेंटली गलती करते हैं, बहुत रेगुलरली गलती करते हैं, ठीक है? तो अगर टूल्स को इस्तेमाल करना है तो फिर मेक श्योर के तुम लोग बहुत केयरफुली इसको प्रूफ रीड करो, जो तुमने टेक्स्ट लिखा है उसको प्रूफ रीड करो कि वीडियो के मुताबिक चल रहा है कि नहीं चल रहा। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। और ये आप टूल्स कब देंगे, वीडियो मार्केटिंग ब्लास्टर और ट्यूब रैंक जीप? मेरा दिल नहीं कर रहा, ना दूं तो सर दे दे। सर इतना अच्छा वो गिग बन सकती है आज ही। अच्छा चलो ठीक है, मैं इंशाल्लाह दे देता हूँ ये टूल्स मैं तुम लोग। थैंक यू सर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये जो जिन लोगों की बाकी गिग्स बनी हुई हैं, जिन लोगों को ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे, पॉडकास्ट ट्रांसमिशन और YouTube ट्रांसक्रिप्शन, इसके ऊपर गिग बना लो। एक ही गिग बनानी, अलग-अलग गिग ना बनाना, एक ही गिग बनेगी दोनों के ऊपर। और इसके अलावा भी अगर कुछ वेबिनार ट्रांसक्रिप्शन को भी देख लो, वैसे बाय द वे मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन भी हो सकती है, ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन पे तो मेरा ख्याल है कॉम्पिटिशन जरा हाई होगा क्योंकि मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। अच्छा वेबिनार ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर भी तुम टारगेट कर सकते हो उस कीवर्ड को, और मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन को भी कर सकते हो, ऑडियो को मत करना, ऑडियो वीडियो को मत करना, ठीक है? ये दो और हैं जरा, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन और वेबिनार ट्रांसक्रिप्शन, इनको भी देख लेना ऑर्डर्स इन क्यू किस हिसाब से इनके हैं। डिस्क्रिप्शन में या तो टाइटल में ना दो तो डिस्क्रिप्शन में तो लाजमी दे देना वेबिनार और मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है? और इसके ऊपर गिग बनाओ, बाकी चीजों के ऊपर ऑर्डर ना मिले तो इसके ऊपर तो इंशाल्लाह लाजमी तुम लोग को ऑर्डर मिल जाएगा। हेलो सर। हाँ बोलो। वीडियो वीडियो उसने ऐसी दी है जिसपे इंग्लिश ही सर इतनी ज्यादा फास्ट कोई इंग्लिश बोल रहा है, हाँ? तो उसपे नीचे सब टाइटल भी नहीं आ रहे, तो फिर क्या करेंगे सर? फास्ट कोई नहीं बोल रहा होता है, ऐसा नहीं होता है, बहुत ओवर थिंक ना करो चीजों को, ऐसा नहीं होता कि कोई इतनी को फास्ट बोल रहा हो कि समझ में ना आ रहा हो कुछ भी, आ जाता है समझ, स्लो स्लो करके चलो समझ में आ जाएगा। वीडियो की स्पीड स्लो कर दो बेशक, उसमें वीएमबी प्लेयर अगर जब किसी भी चीज में वीएमबी प्लेयर पर कोई वीडियो जब चलाते हो ना तो उसमें एक ऑप्शन होती है वीडियो स्लो डाउन करने की, तो वीडियो को स्लो डाउन कर लेना, ठीक है? चलो आगे सवाल रह गया। गूगल टेक्स्ट टू स्पीच है जो उसकी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, इसकी भी कोई गिग बन सकती है? गूगल टेक्स्ट टू स्पीच की? यस सर। देखना पड़ेगा जरा, स्टडी कर लो कि अगर उसके अंदर नीचेज हैं कुछ टेक्स्ट। असल में वो पता बात वो आ जाती है वॉइस ओवर की, वॉइस ओवर के ऊपर बहुत ज्यादा काम है, लेकिन वो काम जो होता है वो प्रोफेशनल्स अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं। ये गूगल टेक्स्ट टू स्पीच के ऊपर रोबोटिक का केस होता है, वो
लोग उसके ऊपर काम नहीं करते, लोगों को वो पसंद नहीं होता, लोग प्रोफेशनल सर्विसेज हायर करते हैं। ठीक है, मैंने भी की हुई है, वॉइस ओवर ज्यादा बिकता है लेकिन गूगल टेक्स्ट टू स्पीच इतना नहीं बिकेगा, क्योंकि वो टेक्स्ट टू स्पीच जो है ना वो सर इसको हम व्हाइट बोर्ड रोबोटिक होता है, उसके ऊपर नहीं काम होगा। हाँ जी ठीक है, अगर कोई और सवाल नहीं है तो लेट्स एंड टुडेज लेक्चर। आज काफी लंबा ही लेक्चर हो गया और आज हमने यूट्यूब SEO कंप्लीट कर ली है, कल इंशाल्लाह ताला हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे, एफिलिएट मार्केटिंग का एक ही लेक्चर होगा, परसों इंशाल्लाह ताला हम लोगों ने अपर के ऊपर काम करना है। ठीक है, कल परसों का मैंने तुम लोग को प्लान बता दिया, फ्राइडे के दिन मैंने तुम लोग को एक और चीज कवर करवानी, एक छोटी सी चीज है, मंडे को हम लोग इंशाल्लाह फेसबुक सोशल मीडिया के ऊपर जाएंगे, हमारे मेरे और तुम लोगों के लेस देन 3 वीक्स हैं। ठीक है, हमारे लेस देन 14 लेक्चर्स टोटल बाकी हैं, तो 14 लेक्चर्स का मतलब है कि लेस देन थ्री वीक्स का मतलब ये है कि जितना तुम लोग सीख सकते हो कर सकते हो कर लो, सीख लो, इट्स अबाउट योर फ्यूचर एंड मेरा कुछ नहीं जाएगा, तुम लोगों का भला हो जाएगा। विद दैट नोट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जो मैंने बताई है ट्रांसक्रिप्शन की, आज मैंने गिफ्ट दिया है इसको इस्तेमाल करना, ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर एक बहुत आसान काम है ये, इसके ऊपर एक गिग बनाओ और पॉडकास्ट ट्रांसक्रिप्शन, यूट्यूब ट्रांसक्रिप्शन, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, वेबिनार ट्रांसक्रिप्शन, इनके ऊपर काम करो। विद दैट नोट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।